कोर्ट ने कहा इसमें किसी कोई शास्त्री गवाही चाहिए। सारे जितने आचार्य लोग हैं सब मना कर दिए। मित्र सबने कहा हमारे ठाकुर जी रोक रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा पर आपको बता तो दूं, चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मना कर दिया। जब मेरे पास प्रकरण आया तो मैंने कहा देखो भाई, मैं तो वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं और नियम होता है जिस मुकदमे में वादी नाबालिग होता है वहां माता पिता और गुरु उसका पक्ष रखते हैं। इस मुकदमे में रामलला जी हमारे नाबालिग हैं, अवयस्क हैं और मैं उनके गुरु गोत्र का हूं, मैं पक्ष रखूंगा जो कुछ होगा होगा। कोर्ट ने कहा क्या बिना देखे गवाही देंगे? मैंने कहा महोदय शास्त्रों के लिए भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती, वहां आंतरिक आंख चाहिए, भौतिक आंख नहीं चाहिए। इसमत मोतियाबिंद हो जाता है और गवाही मेरी प्रारंभ हुई। विपक्ष ने मुझे चुप करने के लिए विपक्षी वकील को $50,000 दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। वकीलों ने कहा हमसे पूछे, मैंने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, प्रतिभा है मेरी, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा आप सबको कि जो अन्य गवाहों को 9-9 महीने रुलाता था ऐसे विपक्षी वकील को मैं एक एक उसके एक एक प्रश्न अपने एक एक उत्तर से उसके 50-50 प्रश्नों का समाधान करता था मैं, और 7 दिनों में उसको इसी प्रकार निचोड़ दिया जैसे मशीन से नींबू निचोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने कहा इसमें किसी कोई शास्त्री गवाही चाहिए। सारे जितने आचार्य लोग हैं सब मना कर दिए। मित्र सबने कहा हमारे ठाकुर जी रोक रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा पर आपको बता तो दूं, चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मना कर दिया। जब मेरे पास प्रकरण आया तो मैंने कहा देखो भाई, मैं तो वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूं और नियम होता है जिस मुकदमे में वादी नाबालिग होता है वहां माता पिता और गुरु उसका पक्ष रखते हैं। इस मुकदमे में रामलला जी हमारे नाबालिग हैं, अवयस्क हैं और मैं उनके गुरु गोत्र का हूं, मैं पक्ष रखूंगा जो कुछ होगा होगा। कोर्ट ने कहा क्या बिना देखे गवाही देंगे? मैंने कहा महोदय शास्त्रों के लिए भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती, वहां आंतरिक आंख चाहिए, भौतिक आंख नहीं चाहिए। इसमत मोतियाबिंद हो जाता है और गवाही मेरी प्रारंभ हुई। विपक्ष ने मुझे चुप करने के लिए विपक्षी वकील को $50,000 दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। वकीलों ने कहा हमसे पूछे, मैंने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, प्रतिभा है मेरी, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा आप सबको कि जो अन्य गवाहों को 9-9 महीने रुलाता था ऐसे विपक्षी वकील को मैं एक एक उसके एक एक प्रश्न अपने एक एक उत्तर से उसके 50-50 प्रश्नों का समाधान करता था मैं,
और 7 दिनों में उसको इसी प्रकार निचोड़ दिया जैसे मशीन से नींबू निचोड़ दिया जाता है।